हम सबके श्रद्धे और पूरे प्रदेश में ब्राह्मण समाज का नाम रोशन करने वाले योगेंद्र महन जी, अब ये पूर्व की इनके नाम के हाथ में चाहे रोही भाई पिछाड़ी आएगा एक आध महीने में, लेकिन राज्य मंत्री या चर्चा इनको मिल जाएगा, मेरी शुभकामनाएं हैं। सम्मानित मंच, अति सम्मानित सदन, आप सभी को प्रणाम करता हूँ। साथियों, सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ कि मंजू जी आप एक बार और खड़े हो जाएं। सरकारी स्कूल के बच्चों को निःशुल्क वितरण करेंगे लाइन से बात रही है, उसमें ये सबसे भूमिका निभा रही मंजू जी, समाज के बेटे मंजू जी, धन्यवाद आपका। जुनून के रूप में जो आपने टीम लाइन के साथ जोड़ी है, उसके लिए भी मैं समाज का आभार हूँ। काम में कोई दिखा वाली, सब अपने अपने जॉब में अपने अपने हिसाब से काम करते हैं। और आप लोगों ने सभी ने देखा कि कोविड काल में गरीब हत्याकांड को अगर हम लोग अंजाम दिया था तो हमारे कारण किसी को ब्राह्मण पहला सवाल है और हमारे सारे ग्राहक कभी आज तक हमारे ब्राह्मण समाज की महिलाएं रैली लेकर कमिश्नर के पास में नहीं गई थी, यात्रा गए जो हम लोगों ने शुरुआत करी और उससे घर रक्षा है। और ऐसा कहते हैं कि चमत्कार को नमस्कार, उस समय सारे जो नए ब्लॉक हमसे जुड़े थे वो सारी महिलाओं को लगा कि वाकई में बड़ी दम की बात है। और सारे दिनों दिन हम लोग 4,500 महिलाएं हमारे क्रांति संगठन महिला समाज में जुड़ी है। और दूसरी बात ये है कि मैं ये बात इतने दम से जोर शोर से कहना चाहती हूँ कि ये सब का जो कारण है आज भी जो नाम पड़े हो, आज हम लोग इतना बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं, ये सब चारे पाए मजदूर को अपने आप में लोगों को सोचते हैं। आज आपको मतलब आज मुझे क्या लग रहा है, हम लोग इतना स्त्री और ग्रामीण धाम है और हम लोग और मेरे सामने जो भी बैठे हैं जाने अनजाने अगर मैं किसी का नाम नहीं ले पा रही हूँ तो मैं उनसे क्षमा मांगती हूँ। एक बार मैं कहना चाहूंगी, परिचय सम्मेलन कर लो कोई बड़ी बात नहीं, 28 जोड़े तय कर लो कोई बात नहीं, लेकिन आज के समय में जो समस्या है आप सभी जानते हैं कि 2 महीने बाद 1 महीने बाद लड़कियां वापस अपने घर आई, उसी वजह को बता, उसी वजह से महिला संघ एक ऊंचाइयां ले चुका है, ऊंचाइयों को छू चुका है,